रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G पर हमने लास्ट टाइम BGMI बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया था अपडेट C15 के साथ। वहां पर हमें 4 घंटे 24 मिनट के आसपास का इस स्मार्टफोन ने बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया था। अब इस स्मार्टफोन पर C16 अपडेट आ गया है। तो आज की वीडियो में दोबारा से इस स्मार्टफोन का BGMI पर बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देखते हैं C16 अपडेट के साथ ये स्मार्टफोन हमें कैसा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है और साथ ही क्या हमें कोई ओवरहीटिंग देखने के लिए मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जब से एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया है रेगुलर यूजर्स को हीटिंग इशू देखने के लिए मिलते हैं। तो बिना देरी करे करते हैं इस टेस्ट को स्टार्ट। स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को मैक्सिमम पर सेट कर लिया है। नेटवर्क के लिए मैं जियो 5G का यूज़ करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं स्मार्टफोन को मैंने C16 पर अपडेट कर लिया है और डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को भी मैंने हाई पर सेट कर दिया है। अभी स्मार्टफोन का टेम्परेचर 27.3 डिग्री। गेमिंग ग्राफिक्स की बात करूँ तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर मैं गेमिंग करने वाला हूँ। अपने टाइमर को स्टार्ट करते हैं और अपने गेम प्ले को भी स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं स्मार्टफोन हमारा फुल चार्ज्ड है। गेमिंग करते हुए 1 घंटा कंप्लीट हो गया है और हमारी बैटरी आ गई है 77% पर और स्मार्टफोन के टेम्परेचर है 36.1 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 1 घंटे में कितना टेम्परेचर गेन कर लिया है स्मार्टफोन ने। दोबारा से अपने गेमिंग को स्टार्ट करते हैं। गेमिंग करते हुए 2 घंटे भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारी बैटरी आ गई है 52% पर। स्मार्टफोन के टेम्परेचर की बात करें तो फ्रंट साइड से इसका टेम्परेचर है 35.7 डिग्री, तो अभी तक टेम्परेचर मेंटेन है। अपनी गेमिंग को आगे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और बैटरी आ गई है 28% पर। स्मार्टफोन के टेम्परेचर की बात करें तो ये आ गया 39.7 डिग्री पर। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंक्रीज हो गया है, नियरली 40 डिग्री के आसपास आ गया है। तो इस टेस्ट को आगे परफॉर्म करते हैं, देखते हैं स्मार्टफोन और ज़्यादा हीट होता है या फिर नहीं और हमें कितने आवर्स का टोटल बैटरी बैकअप मिलता है। 4 घंटे 12 मिनट पर स्मार्टफोन फुल्ली डाउन हो गया है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर आ गया है 42.6 डिग्री पर। तो C16 अपडेट के साथ रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G ने हमें 4 घंटे 12 मिनट के आसपास का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है गेमिंग के टाइम पर। लेकिन यहां पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो जो इस स्मार्टफोन में हीटिंग इशू है वो अब भी है, क्योंकि विंटर सीजन चालू है और इस टाइम पर भी अगर स्मार्टफोन का टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा रहा है गेमिंग के टाइम पर तो वो मेरे अकॉर्डिंग एक तरीके से ओवरहीटिंग ही हो जाती है। मतलब जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही है। 35 तक था 2 घंटे तक टेम्परेचर स्मार्टफोन का, तब तक कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद जब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा है तो वो अनकंट्रोल्ड हो गया है इस सीज़न के अकॉर्डिंग। आगे जब समर सीज़न आएगा तो उस टाइम पर ये स्मार्टफोन और भी ज़्यादा हीट होगा। तो इस अपडेट में किसी भी तरह का हीटिंग प्रॉब्लम में तो कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे कोई मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है, आपको सिमिलर से ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो अगर आपने C15 तक अपडेट किया हुआ है और ये सभी इशू आपको फेस हो रहे हैं, मतलब हीटिंग इशू है, तब आप C16 पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में किसी भी तरह का कोई भी हीटिंग इशू नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन को अपडेट करो ही मत। फिर अगर आप अभी तक इसको एंड्रॉइड 12 के साथ ही यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ही यूज़ करते रहो, क्योंकि अपडेट करने के बाद इस स्मार्टफोन में काफ़ी प्रॉब्लम आई है जब से एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया था और उन प्रॉब्लम का हमें अच्छे से कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। इसके पीछे मुझे मेन रीज़न लगता है 5G का सपोर्ट, क्योंकि पहले इसमें 5G का अच्छे से सपोर्ट नहीं था। अपडेट के थ्रू ही इस स्मार्टफोन में 5G को स्टेबल किया गया है। इस वजह से मुझे लगता है कि इस स्मार्टफोन में ये हमें हीटिंग इशू देखने के लिए मिलता है। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड और वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पर कार्ड मिल जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि इस स्मार्टफोन का मैं BGMI बैटरी ड्रेन टेस्ट करूँ विद वाईफाई C16 अपडेट के साथ तो नीचे कमेंट कर देना, और किसी भी तरह का आप टेस्ट चाहते हो इस स्मार्टफोन पर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।